दोस्तों आईपीएल 2024 का 43वां मुकाबला मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को बुरी तरह से कुचलने के लिए मुंबई इंडियन का कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियन की पूरी प्लेइंग 11 बदल कर रख दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में राजस्थान से मिली 9 विकेट से करारी हार के बाद मुंबई की टीम ने हार्दिक पांड्या को बाहर निकाल फेंका है और रोहित शर्मा को मुंबई का कप्तान बना दिया है। और कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने मुंबई की टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है जिनके मुंबई की टीम में शामिल हो जाने से अब मुंबई की टीम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और मुंबई की इस टीम को देखकर दिल्ली कैपिटल को भी हार का पूरा डर सताने लगा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए मुंबई इंडियन किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियन के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बता दें कि आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियन का प्रदर्शन अब तक बेहद खराब रहा है। इस बार मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर इस उम्मीद से हार्दिक पांड्या को मुंबई का नया कप्तान बनाया था कि हार्दिक पांड्या इस बार मुंबई को चैंपियन जरूर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों चैंपियन बनना तो दूर की बात है, मुंबई इंडियन का प्लेऑफ में भी पहुंचना काफी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई की टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। मुंबई की टीम ने अब तक आईपीएल में कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इन 8 मुकाबलों में से मुंबई की टीम अब तक सिर्फ 3 मुकाबला ही जीत पाई है जबकि मुंबई को 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेबल में मुंबई की टीम 8वें नंबर पर है। ऐसे में अब मुंबई को अपना अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलना है और ये मुकाबला 27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि दोपहर में 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 19 मुकाबला मुंबई की टीम ने जीता है तो वहीं दिल्ली कैपिटल ने 15 मैचों में बाजी मारी है और इन आंकड़ों के लिहाज से मुंबई का पलड़ा भारी है और अब इस मुकाबले को भी मुंबई की टीम हर हाल में जीतना चाहेगी क्योंकि दोस्तों ये मुकाबला मुंबई के लिए बेहद ही अहम होने वाला है क्योंकि दोस्तों अगर मुंबई की टीम उस मुकाबले को भी हार जाती है तो फिर प्लेऑफ के लिए मुंबई का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। और इसी को देखते हुए रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियन की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक खतरनाक और धुरंधर खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि रोहित शर्मा ने मुंबई की प्लेइंग 11 में क्या बड़ा बदलाव किया है और किन किन खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग में एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आप तो जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं पर अभी रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में भी चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों पिछले मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था लेकिन दोस्तों उससे पहले खेले गए मुकाबले में पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा ने 25 गेंदों में 36 रन तो वहीं चेन्नई के खिलाफ 105 रनों की नाबाद पारी खेली थी। दोस्तों बता दें कि रोहित शर्मा बहुत ही विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हैं जो कि ओपनिंग में आकर ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और अब तक खेले गए लगभग सभी मुकाबलों में रोहित शर्मा ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी की है। दोस्तों रोहित शर्मा अकेले दम पर ही मैच को पलटने का दमखम रखते हैं और ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल के खिलाफ भी रोहित शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दिल्ली के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन की तो दोस्तों बता दें कि ईशान किशन भी T20 फॉर्मेट के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं जो कि ओपनिंग में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि दोस्तों पिछले 2-3 मुकाबलों से ईशान किशन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दोस्तों बता दें कि उससे पहले खेले गए मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल और RCB के खिलाफ ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की थी और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली कैपिटल के खिलाफ ईशान किशन उसी तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों बात करें नंबर 3 की तो तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव खेलने के लिए आएंगे। आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे और 10 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उससे पहले खेले गए मुकाबले में पंजाब के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और 55 गेंदों का सामना करते हुए 78 रनों की तूफानी पारी खेली थी। ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल के खिलाफ भी सूर्यकुमार यादव इसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों के पूरी तरह से परखच्चे उड़ाकर रख देंगे। जबकि दोस्तों नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलने के लिए आएंगे। दोस्तों बता दें कि तिलक वर्मा भी बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं जैसा कि पिछले मुकाबले में जब मुंबई का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका था तब तिलक वर्मा ने मैदान पर आकर मुंबई की पारी को संभाला था और शानदार बल्लेबाजी की थी और 45 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 65 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज हैं जो कि मुश्किल परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ भी हमें तिलक वर्मा का जलवा देखने को मिलने वाला है। जबकि दोस्तों नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलने के लिए आएंगे। दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या भी बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं जो कि गेंदबाजी
के अलावा बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन दिखाते हैं और कभी भी मैच का पासा पलटने का दमखम रखते हैं। हालांकि दोस्तों इस सीजन में हार्दिक पांड्या अभी तक सभी मुकाबलों में फ्लॉप साबित हुए हैं। हार्दिक पांड्या का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है। इसके अलावा गेंदबाजी से भी हार्दिक पांड्या कुछ कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन अब अगर मुंबई को दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करनी है तो हार्दिक पांड्या को अच्छा प्रदर्शन करना होगा और कप्तानी पारी खेलनी होगी। जबकि दोस्तों नंबर 6 पर नेहल वढ़ेरा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि पिछले मुकाबले में नेहल वढ़ेरा को खेलने का मौका मिला था और उस मुकाबले में नेहल वढ़ेरा ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 49 रनों की शानदार पारी खेली थी। दोस्तों बता दें कि पिछले मुकाबले में नेहल वढ़ेरा की ये पारी काफी अहम थी क्योंकि मुंबई की टीम काफी मुश्किलों में थी और नेहल वढ़ेरा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियन को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली कैपिटल के खिलाफ भी नेहल वढ़ेरा इसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों बात करें नंबर 7 की तो 7वें नंबर पर टीम डेविड खेलने के लिए आएंगे। हालांकि दोस्तों बता दें कि पिछले कई मुकाबलों में टीम डेविड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे, लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम को टीम डेविड पर काफी भरोसा है क्योंकि दोस्तों टीम डेविड बहुत ही खतरनाक फिनिशर माने जाते हैं जो कि अंत के ओवरों में आकर तेजी से रन बनाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों से टीम को बाहर निकालने का दमखम रखते हैं। और ऐसे में दिल्ली के खिलाफ टीम डेविड से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 8 की तो 8वें नंबर पर खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें कि जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से किसी भी टीम को धराशायी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दोस्तों बता दें कि इससे पहले खेले गए मुकाबले में पंजाब के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे। और ऐसे में अब दिल्ली के खिलाफ भी जसप्रीत बुमराह इसी तरह की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों नंबर 9 पर जैसन बहरनरॉफ खेलने के लिए आएंगे। दोस्तों बता दें कि जैसन बहरनरॉफ बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है और जैसन बहरनरॉफ के मुंबई की टीम में शामिल हो जाने से मुंबई की टीम और भी मजबूत हो चुकी है। जबकि दोस्तों नंबर 10 और 11 पर आकाश मधवाल और गिराल कोटजी को खेलने का मौका मिला है। दोस्तों बता दें कि दोनों भी बहुत ही घातक गेंदबाज माने जाते हैं जो कि दिल्ली के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों दिल्ली के खिलाफ यही होगी मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियन इस मुकाबले में दिल्ली को हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।